सो वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो गाइज़. आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग, अराउंड 2-3 ईयर्स के बाद मैं एक यूट्यूब वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ. आई वॉज बिजी विथ सम कॉलेज स्टफ एंड मैं यूट्यूब को इतना टाइम नहीं दे पा रहा था, पर अब मैंने यूट्यूबिंग वापस चालू करी है. तो अभी अपने पास ये 2010 मॉडल महिंद्रा मेजर है. ये महिंद्रा से जो स्टॉक ब्लैक हुड में आती थी 5-speed 4-wheel के साथ, ये वो वाली गाड़ी है जो आपने देखी होगी, जिसमें पहले ब्लैक हुड आता था, इस कवर होती थी ये पूरी पीछे. तो इसमें अपन ने पूरा इसको पेंट जॉब दिया है. ये अपना जो मारुति सुजुकी का ग्लिस्टिंग ग्रे कलर आता है वैगन आर पे, ये वो वाला कलर है. ये साउथ साइड थोड़ा ट्रेंडिंग में था तो मैंने इसको इसलिए ऐसा पेंट करा. साउथ में लोग अपनी गाड़ियों पर ये वाला कलर करा रहे हैं. आप देख सकते हैं इसको, अपन शुरू से एक स्टार्ट लेते हैं. तो हेयर वी हैव दिस महिंद्रा बैजिंग ओवर है. आप देख सकते हैं महिंद्रा की मेजर है ये. और ये इधर पावर स्टेयरिंग का पंप अलग से लगाया हुआ है. पावर स्टेयरिंग गाड़ी है ये, आपको बिल्कुल कार जैसा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो मिलेगा. इसमें आगे कुछ ऑक्सिलरी लैंप्स वगैरह नहीं है कि आपका कुछ चालान वगैरह हो. फिर कमिंग टू दिस साइड वी हैव स्नॉर्कल. ये पूरा वर्किंग स्नॉर्कल है, प्लस ये मेटल का है. मेटल का इसलिए है क्योंकि जो अपने मार्केट में प्लास्टिक के आते हैं 5-6,000 bucks के, तो वो टूट जाते हैं धूप में अगर 1-2 साल के बाद. पर ये फुल मेटल का है. आप इसकी फिटिंग वगैरह सब देख सकते हैं, पूरा मेटल से बना हुआ है ये. एंड ऊपर का भी इसका जो वो है वो भी मेटल का है, इनटेक जो इसका पूरा मेटल का है ये. कमिंग बैक, इसमें 31/1050R15 के व्हील्स डले हुए हैं. और ये जो रिम्स हैं ये कस्टम बिल्ट रिम्स हैं. इनको मतलब जो स्टील अपने प्लाटी रिम्स आते हैं उनकी तरह नहीं है, ये ट्राइंगल वाले ये अलग से बने हुए हैं, क्योंकि आजकल के जो स्टील व्हील्स आ रहे हैं वो थोड़े क्वालिटी में हल्के होते हैं, तो ये कस्टम बिल्ट करे गए हैं. और जो महिंद्रा मतलब जो स्टील व्हील्स आते हैं वो थोड़े बॉडी से ज़्यादा बाहर हो जाते हैं. मतलब अभी ये जैसे आपको इतना ऑफसेट दिख रहा है इसका, तो वो थोड़े और बाहर आ जाते हैं, तो मुझे इतने बाहर नहीं चाहिए थे, तो मैंने उसको अपने हिसाब से करके रखा है. अगर इस स्ट्रेट में आप देखेंगे तो ज़्यादा गाड़ी से बाहर नहीं है कि आपकी मिट्टी भी नहीं उछलेगी गाड़ी पे जो अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि मेजर पूरी साइड से खुली हुई होती है. अंदर बैठने वालों को थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है जब मिट्टी आती है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसमें ये पावर स्टेयरिंग पंप लगा हुआ है. आगे से कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं करा गया है, एक्सेप्ट द पेंट जॉब. इसके बाद ये जो फ्री व्हील्स हैं, ये फ्री व्हील्स लगे हुए हैं. ये भी हैंड ऑपरेटेड है, मतलब ये स्मूथ हैं, काफ़ी स्मूथ हैं. सो आपका जो एवरेज इफेक्ट होता है वो कुछ नहीं है. दिस व्हीकल गिव्स मी अराउंड 18-20 kilometers per liter इन डीजल इन सिटी, एंड ऑन अ हाईवे इट गिव्स मी अराउंड 22 kilometers per liter. सो एवरेज के मामले में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये. इसमें जो महिंद्रा में स्टॉक जो डैशबोर्ड आता था वो प्लास्टिक का था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इसमें ये वाला मेटल, उसका जो पीछे का कवर होता है प्लास्टिक का, वो हटा दिया. और इसमें मैंने 5 meters का इंस्टॉलेशन करा है, ओल्ड जीप्स की तरह. नहीं तो मेजर आती थी 3 meters के साथ आप. और ये जो इसका NGT520 गेयरबॉक्स है, इसकी आप प्ले देख सकते हैं. ये फर्स्ट सेकेंड, नहीं तो जनरली जो 4-wheel 4-speed आते हैं वो आपका फर्स्ट गियर, आपने ये इतना लिया फर्स्ट गियर इधर आएगा और उसका वाइब्रेशन भी इतना रहेगा. अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कितना वाइब्रेशन में इसका फ़र्क है. ये बहुत ज़्यादा स्मूथ ट्रांसमिशन होता है, एंड दिस थिंग फील्स जस्ट लाइक अ कार. आप जैसे एक बहुत बड़ी ऊंची सारी कार चला रहे हो. प्लस इसमें ECM वगैरह भी नहीं है, तो आप ऑफ रोडिंग इससे दिल से कर सकते हैं. जो अपनी नई मॉडल की CID थार होती हैं उसमें ECM का चक्कर रहता है, जो पूरी सेंसर्स के साथ रहती है. इसमें कुछ ECM का चक्कर नहीं है. आप इस गाड़ी को इतना भी अगर पानी में से निकाल देंगे तो इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा. नो इलेक्ट्रिकल डैमेज. M2DI टर्बो के साथ आती थी मेजर, एंड आप इसकी स्टार्टिंग देख सकते हैं. ये
ये साउंड इसका इसलिए ऐसे आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें एक विसिल लगा के रखी, तो इसलिए वो बंद भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसका जो एक्चुअल जो महिंद्रा मेजर फोर व्हील आती थी उसमें जो शॉर्ट एग्जॉस्ट आता था, नहीं तो जनरली जो पीछे आता है वो उसकी तरह नहीं है, ये शॉर्ट आता है। इसके ऊपर मैंने मफलर लगा के रखा है जो उसका लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। आप देख सकते हैं गंदा हो रहा है थोड़ा। अब इसके पीछे आए अपन तो इसमें दूसरी वाली जो ये वाली सीट्स का पैटर्न होता है ये वाली लगा के रखी है, क्योंकि अगर आप 3 or 4 पीपल ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू दैट नॉर्मल थार सेटअप। और जो पूरी गाड़ी है, जो कलर मैंने इसमें देखा था, तो पूरी गाड़ी ग्रे और ब्लैक की थीम में है। इनफैक्ट द सीट कवर्स आर ग्रे एंड ब्लैक, पूरी गाड़ी एक ही थीम में बनी हुई है। ये इसका हाफ हुड है, ये पूरी खुल भी जाती है। जस्ट आपको इधर से जो दो बोल्ट्स हैं, एक ये है और एक उस साइड है सेम, इन दोनों को बस निकालना है और आप पूरा इस हुड को पीछे फोल्ड करके रख देंगे। ये वाली जो चीज़ है इधर से ये इसमें आके लग जाती है, तो इस सब पूरी खुल जाती है। इसके बाद पीछे अपन आएंगे तो हिच मिलता है अपन को, और गाड़ी का आप लोग देख सकते हैं पीछे से टिपिकल टाइप 1 थार की तरह दिखती है, जो 540 की तरह आती थी। CL550 MDI की बैजिंग होती है, ये मैंने कस्टम बैजिंग करा के रखी है, स्टिकरिंग करवा के रखी है ऑल व्हील ड्राइव की, एंड महिंद्रा का स्लोगन लिव यंग लिव फ्री। आप देख सकते हैं पीछे का लुक। मैं इसको आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि इसका फोर व्हील सेटअप कैसे काम करता है। सो गाइज हेयर वी आर। अब इसका जो ये जो गैरिंग पैटर्न जो आता है 5-speed 4-wheel का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने गाड़ी स्टार्ट करी, इसके बाद ये जो आपका लीवर है ये सिंपल जो गियर स्टिक हर गाड़ी की तरह होती है, ये 4-wheel का लीवर है। तो दिस इज़ टू हाई, 2-wheel हाई स्पीड, दैन दिस इज 4-wheel हाई स्पीड, चारों पहिए हाई स्पीड चलेंगे। इसके बाद दिस इज़ मास्टर न्यूट्रल, दिस इज़ मास्टर न्यूट्रल। इसमें अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट में भी होगी और अगर आप क्लच छोड़ देंगे, अभी आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी फर्स्ट सेकंड में क्लच छोड़ रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज़ मास्टर न्यूट्रल एंड दिस इज़ 4-wheel लो। अब दिस इज़ 4-wheel लो। फिर जनरली ये गाड़ी 2 HP अपन को चलानी चाहिए, जब ऑफ रोडिंग करते हैं तब यूज़ होता है 4-high और 4-low का। और आप इंटीरियर से गाड़ी देख सकते हैं, पूरी स्टिकरिंग मैंने करा के रखी है अंदर, ऑल मीटर्स वर्किंग है इसके। और ये जीप पूरी स्ट्रीट लीगल है, मतलब इसके 2028 तक जो फिटनेस है वो वैलिड है, सब स्ट्रीट लीगल होती हैं गाड़ियाँ। आप इसको लेके जाके परचेस करके किसी के नाम भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और वैलिड है ये गाड़ी। मतलब अभी नेक्स्ट 5 years, अभी 2024 चल रहा है, 28 तक ऐसी गाड़ी वैलिड है, तो उसमें नाम ट्रांसफ़र में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज, अगर अपन दूर से अगर इसके रोड प्रेजेंस की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है, बहुत हाइटेड है, अच्छी लग रही है। इसमें एक और ऑप्शन आता है कि अपन इसकी जो साइकिल असेंबली होती है वो थोड़ी और इसकी हाइट एनहेंस कर देगी, अगर वो अपन चेंज कर देंगे। पर उसमें जो अगर इसको और हाइटेड अब इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर इसमें पलटने की प्रॉब्लम आ सकती है, तो बस इतनी सफिशिएंट होती है, आप कहीं से भी इसको निकाल सकते हैं आराम से। दूर से इसका कुछ ऐसा लुक आता है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल स्टॉक व्हीकल, मतलब जो मशीन लाइन से है वो ये गाड़ी पूरी स्टॉक है, एंड मशीन में कुछ जस्ट आपको नॉन मेंटेनेंस मशीन है, जैसे बुलेरो में आता था ये कंप्लीट सेटअप, जो बुलेरो 2006-07 के बाद जो इंजन आया था M2DI टर्बो, ये वो है टर्बो वाला, एंड दिस इज़ 70 BHP इंजन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको ऐसी कुछ गाड़ी अपनी मॉडिफाइड कराना है, या ऐसी गाड़ी आप परचेस करना चाहते हैं, या इसको भी परचेस करना चाहते हैं, मेरे पास अभी एक कुछ दिन में एक
फोर्ड जी पी डब्ल्यू का जो फर्स्ट कॉपी आप कह सकते हैं वो बिल्कुल नई मशीन सेटअप के साथ, इसी सेटअप के साथ आने वाला है, दिस M2DI टर्बो एंड 5-speed गियरबॉक्स के साथ। तो उसका भी मैं वीडियो विद इन 1 month और 1.5 month आपके पास लेके आऊँगा। सो अगर आप ऐसी कुछ गाड़ी बनवाना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में नंबर है और इधर ऊपर आप देख सकते हैं इधर भी नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। दिस थिंग कॉस्ट अराउंड 4.5 lakhs। अगर आपको पूरी ऐसी गाड़ी चाहिए तो आपको 4.5 lakh रुपये के आसपास पड़ती है पूरी ऐसी कंप्लीट होके। एंड दिस थिंग इज़ हैविंग एवरीथिंग न्यू, जो जो अपन जनरली जो वॉर्न आउट पार्ट्स होते हैं लाइक रबर, हर चीज़ इसमें चेंज कर दी गई है क्योंकि 2010 से अभी ऑब्वियसली पुरानी हो जाती है चीज़, तो उसको अपन ने पूरा जनरली रिस्टोर या फिर अपन रिफर्बिश कह सकते हैं। आप इस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हैं, नॉट इवन ऑन द रोड, असाइड द रोड, कच्चे में कहीं भी चलाओ, उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कुछ दिन में अराउंड 10 to 15 days में मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जो यामाहा RX सीरीज़ के परफॉर्मेंस पार्ट्स मेरे पास आने वाले हैं लाइक RX किंग के कार्बोरेटर्स वगैरह, तो उसकी भी मैं वीडियो पब्लिश करता रहूँगा। और एक और जीप है वो अभी अराउंड 1 month में मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आने वाली है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अदनान खान साइनिंग ऑफ़।